जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कुमकुम भाग्य की कहानी में दर्शकों को कई सारे बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब गॉसिप्स के गलियारों से ये खबर सामने आ रही है कि सीरियल में आप आगे देखेंगे कियारा का किडनैप हो जाएगा और अभी किडनैपर से समझौता करने की कोशिश भी करेगा ताकि वो किसी भी तरह कियारा को बचा सके। वो लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, वो इनाम की घोषणा भी करेगा कि जो भी किडनैपर्स का पता लगाएगा कियारा को ढूंढेगा वो उसे 3 करोड़ रुपए इनाम के रूप में देगा। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अभी की हर कोशिश नाकामयाब होगी और कियारा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सीरियल में ली आने से पहले कियारा की मौत हो जाएगी। कियारा अभी और प्रज्ञा से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। जिस कियारा के लिए अभी और प्रज्ञा ने शादी की थी, अपना नया परिवार बसाने की सोची थी, वही कियारा अब अभी और प्रज्ञा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सीरियल में आप देखेंगे कि कियारा के मर्डर की न्यूज जैसे ही अभी और प्रज्ञा को मिलेगी वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। उनके समझ में नहीं आएगा कि वो आखिर करे तो करे क्या, और एक बार फिर से अभी और प्रज्ञा के रिश्ते में भी दरार आ जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो प्रज्ञा को ये लगेगा कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ अभी की वजह से हुआ है और कियारा की मौत के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अभी ही है। यही कारण होगा कि ये दोनों एक बार फिर से अलग हो जाएंगे। हाल फिलहाल दर्शकों ने ये देखा था कि काफी समय के बाद अभी और प्रज्ञा एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आए, वहीं अब इन दोनों की राहें एक बार फिर से जुदा हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में जल्द ही 20 साल का लीप आने वाला है, जिसके बाद सीरियल की कहानी में भी कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ये बड़े बदलाव कौन से होंगे, इन सब का पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से चलेगा। टेलीविजन जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।